हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग। मेरा नाम है रजा खान, आप देख रहे थे दोस्तों। आज Redmi note 7s लॉन्च हो चुका है, तो मैं सोचा कि आपको फुल रिव्यू दे दूं जल्द से जल्द, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, बच जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं Redmi note 7s के। ये तीन अलग अलग कलर में लॉन्च हुआ है दोस्तों, ऑक्सी ब्लैक, स्पेयर ब्लू और रूबी रेड। इस तरह का तीन कलर है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, एकदम प्रीमियम फ़ोन लगता है। बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो डॉट ड्रॉप डॉट नॉच जो बोला जाता है वो है इसमें। बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, 6.3 इंच का फुल HD डिस्प्ले है 16 मिलियन कलर के साथ दोस्तों। बैक के बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है फ्रंट और बैक दोनों में दोस्तों। और इसका जो बेजल्स है बहुत ही छोटा, बहुत ही कम है, 1.95 mm का बेजल है दोस्तों साइड में। आयर ब्लास्टर के साथ आता है ऊपर में, नीचे में USB टाइप सी का पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है और माइक्रोफोन का दिया हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस के मामले में भी ये तगड़ा है। स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर आता है, 2.2 GHz पर जो क्लॉक है दोस्तों। बात करते हैं इसके एंतुतु बेंचमार्क स्कोर के, तो 147,256 इसका आया हुआ है, जो देखने में बहुत अच्छा है। माधव शेठ ने अपने उनका जो लॉन्च इवेंट था उसमें बताया। बात करते हैं इसके मेन पार्ट्स कैमरा की दोस्तों, तो फ्लैगशिप लेवल का इसमें कैमरा है 48 MP का और एक 5 MP का दोस्तों। 48 MP का जो कैमरा, उसका अपर्चर 1.8 है दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा है। इसमें 1.6 micron सुपर पिक्सल लगा हुआ है, 1.8 का अपर्चर है और AI ऑप्टिमाइज है दोस्तों, तो फोटो क्लिक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस ये तीन फ़ोन से कंपेयर किया गया है, वीवो V15 प्रो, Redmi 7s और Realme 3 प्रो, ये तीनों को किया गया है दोस्तों, जिसमें सबसे अच्छा फ़ोटो अपना यही फ़ोन का आया हुआ है दोस्तों। सुपर पिक्सल होने की वजह से, सुपर पिक्सल क्या होता है दोस्तों के बहुत सारे पिक्सल को बटे रहते हैं, तो एक ही में सारे को, सारा कलर को एक ही में एडजस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से ब्राइटनेस को ये ऑब्जर्व करता है और फोटो अच्छा सा क्लिक करके देता है, तो इस तरह का कुछ है दोस्तों। लोअर लाइटनिंग कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि 1.8 का माइक्रोन पिक्सल है दोस्तों, इस वजह से वीवो V15 प्रो और Realme 3 प्रो से भी अच्छा फ़ोटो खींचता है लो लाइटनिंग कंडीशन में। फ्रंट कैमरा की बात करें दोस्तों, तो 13 MP का वही नॉर्मल कैमरा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें खास क्या है, तो इसमें P2i कोटिंग दिया हुआ है, जिसके वजह से डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ, इस तरह का कुछ है दोस्तों। पानी गिरा के दिखाया जा रहा है, उन्होंने दिखाया था अपना। अब बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो बैटरी कैपेसिटी जो है दोस्तों 4000 mAh की बड़ी बैटरी है, जिसमें ये चीज़ उन्होंने अपने लॉन्च इवेंट में बताया कि 13 घंटा तक आप वीडियो प्ले कर सकते हैं, 150 घंटा तक आप म्यूज़िक सुन सकते हैं और 250 घंटा तक स्टैंड बाय में से रख सकते हैं दोस्तों। अब बात कर सकते हैं कि इसमें कौन सा चार्जिंग है, तो ये 2.0 10 वाट का अडेप्टर इनबॉक्स में दिया जाएगा। आप इसे 3.0 या 4.0 तक का सपोर्ट इसमें करेगा दोस्तों, फास्ट चार्जिंग के साथ, क्योंकि USB टाइप सी है, तो इस तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि ओवरऑल इसमें क्या है, तो पहला चीज़ है दोस्तों कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, स्नैपड्रैगन 660 2.2 GHz का प्रोसेसर है, 4000 mAh की बैटरी है, USB टाइप सी है, कॉलकॉम का फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, एयर ब्लास्टर के साथ आता है, 3.5 mm जैक के साथ आता है, तो इस तरह का कुछ आया है दोस्तों। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस, इसकी प्राइस उन्होंने जो बताया दोस्तों वो 3 GB RAM 32 GB इंटरनल मेमोरी का जो प्राइस है दोस्तों वो 10,999 रुपये है, और 4 GB RAM 64 GB इंटरनल मेमोरी का जो प्राइस है दोस्तों वो 12,999 रुपये है। ये दोस्तों 23rd में से थर्सडे से ये सेल पे जाएगा फ्लिपकार्ट Mi.com मी होम में ये जाने वाला है, तो आप जाके खरीद सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और मैं आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।